आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इसके एक हिस्से की शुरुआत हो गई थी दो साल पहले और अब जब ये कार्यक्रम पूरा हो गया गांधी सेतु का, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत पहले बनाना था। ये आप समझते हैं, जानते हैं कि इसका निर्माण कार्य बहुत पहले शुरू हुआ था, 1972 में शुरू हुआ था और 82 में पश्चिमी दोले और 1987 में पूर्वी दोले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और इसके बाद ये चल रहा था लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसमें काफी कमजोरी आने लगी थी और ये बात 1991 से ये चल रहा था कि आखिरकार इसमें कोई ना कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। अब उसके बाद तो इस पर काफी चर्चा होती रही लेकिन 1914 में गांधी सेतु के स्थायी समाधान हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा यह तय किया कि पुल के नीचे का जो पिलर संरचना है वो संतोषजनक है, वो ठीक है, उसको रखते हुए उसके ऊपर कंक्रीट सुपर स्ट्रक्चर को हटा करके और नया स्टील सुपर स्ट्रक्चर उसको लगाया गया और इस काम को की शुरुआत हो गई 2017 में 15 जून से और एक हिस्सा इसका बनकर तैयार हो गया तो पूरा काम दूसरा हिस्सा का शुरू हो गया। आज जब ये दोनों हिस्सा बनकर के तैयार हो गया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैं इसके लिए तो माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं बधाई देता हूं कि आखिर ये काम पूरा हो गया और इसके लिए तो जो ये पुराना चीज बना है। और आप जानते हैं कि जब इस बिहार में तो ये पहले का चीज सबसे पहले शुरुआती दौर में ही ये सब चीजें बनी थी तो उसके बाद अब तो जब आप लोगों की सरकार बनी तो मैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के बारे में बिहार के बारे में उन्होंने घोषणा कर दी कि काफी कुछ यहाँ के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए और पुलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। और आज उसके बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक एक चीजों को बता दिया और एक एक चीज के बारे में जानकारी दे दी और बहुत सारा काम हो गया, इसकी भी चर्चा की, जो काम हो रहा है उसके बारे में बता दिया और उन्होंने आश्वस्त भी कर दिया कि और ज्यादा काम करेंगे और आज कई चीजों का शिलान्यास भी किया गया है। तो इन सब चीजों के बारे में आपने जो कह दिया है इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं और निश्चित रूप से जो काम होगा तो बड़ी खुशी की बात होगी। और आप जानते ही हैं कि गंगा नदी पर तो पहले चार बनाना था और अब तो उसके आगे बन रहा है और कुल मिलाकर के 17 तक बनने वाला है गंगा नदी पर पुल के तौर पर और कितने पुलों के बगल में भी पैरेलल बना रहा है। आज जब इसका निर्माण हो गया तो इसके पैरेलल भी चार लेने का बनने का काम शुरू हो रहा है, काम चल रहा है और बगल में ही आपको दिखाई देगा अगर देखना चाहिएगा तो ये सब काम जो चल रहा है ये बड़ी खुशी की बात है। और जितना भी काम जो आप लोगों ने आज साथ साथ कर दिया, मुंगेर से मिर्जा चौकी का 124 किलोमीटर का चार लेन जो ग्रीन फील्ड परियोजना का, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये भी आपने कह दिया कि मुंगेर मिर्जा चौकी के मौजूदा पथ को भी 10 मीटर चौड़ाई का कंक्रीट पथ परियोजना भी इसको चलाएंगे, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपको बता देना चाहते हैं, आप जब उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये कब की बात है, जब इसके बारे में तय हुआ ये 1999 में श्रद्धेय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय ये तय हुआ और उस समय उन्होंने रेलवे के अलावे ये काम भी अतिरिक्त मुझको सौंप दिया था। उसी समय
इसके बारे में ये तय किया गया कि इसका निर्माण कार्य होगा। तो आप तब उसके लिए आपने पूरे तौर पर जो आश्वस्त कर दिया है और ये बहुत अच्छा है, पश्चिम बंगाल तक का है और वो तो जो हो गया था वो मोकामा से, तो आपने भी मोकामा से मुंगेर वाले की भी चर्चा कर दी है। तो एक एक तरह से जो ये काम हो जाएगा लोगों को बहुत सहूलियत होगी। तो पहले भी बहुत सारे चीजों का निर्णय लिया गया और कुछ काम भी पहले शुरू हुआ, लेकिन अब आप लोगों ने जिस तरह से सब चीजों का आकलन करके अध्ययन करके जो काम करने का निर्णय लिया है ये बड़ी खुशी की बात है। और अनेक जगहों पर जिसके बारे में आपने चर्चा कर दी, मैं उसको फिर दोहरा करके आपका मैं समय क्यों लेना चाहूं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है। और कुल मिलाकर 13,585 करोड़ की लागत से 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। ये बहुत ही बधाई की बात है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जब से काम करने का मौका बिहार के लोगों ने हम लोगों को दिया नवंबर 2005 से, और तब से जो भी काम किया है, क्या हाल था उसके पहले, सड़कों की कहां क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोगों ने तो एक एक चीज पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर तो आज आपके केंद्र में मंत्री बने हुए, इससे ज्यादातर सब लोग हमारे साथी यही थे, यही राज्य सरकार में ही मंत्री रहते थे। और एक एक जगह पर जो काम हुआ ये सब लोगों को मालूम। और किस तरह से हम लोगों ने सड़कों के बारे में भी जो काम किया, और आप जानते हैं कि कुल मिला करके जितना काम हम लोगों ने पूरे तौर पर करवाया है, तो कितने जगहों पर हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करवा दिया। तो ये सब चीज के लिए तो बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि पूरे तरह से, यानी आप समझ लीजिए कि हम लोग तो जब सरकार बनी तो जो केंद्र सरकार की सड़कें थी, तो उसी समय हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि थोड़ा इसको ठीक करा दें। उस समय के केंद्र सरकार से बात की, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग अपनी तरफ से इन सब चीजों को काम करना शुरू किया। और उस समय जो पथ निर्माण विभाग था उसके प्रधान सचिव कौन थे, आर के सिंह थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब केंद्र में मंत्री है, ये ध्यान दीजिए जरा, पूछ लीजिएगा कि किस तरह से उसी समय तय हुआ कि केंद्र की जो सड़कें हैं उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर देंगे। तो उसी समय 970 करोड़ रुपया हम लोगों ने कर दिया, लेकिन उसके बाद जब समय की सरकार थी उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब बात की तो बात ही अब खत्म हो गई। तो हम लोगों ने जो भी काम किया और जितना भी हुआ और जो जितनी सड़कें हैं पथ निर्माण की, यानी आप समझ लीजिए कि 54,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके हम लोगों ने किया। और पहले लक्ष्य रखा जब हम लोगों की सरकार बनी तो कहा कि राजधानी पटना जो सबसे दूरस्थ इलाका है उससे चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटे का समय लगना चाहिए। आज से कुछ साल पहले जब उस काम को पूरा कर दिया तब हम लोगों ने तय किया कि अब वो और उससे कम देर में पहुंचना चाहिए, 5 घंटे में पहुंचना चाहिए। अब उसके लिए आगे काम चल रहा है और राज्य सरकार की तरफ से भी काम और आपने केंद्र की तरफ से जो कर दिया, अब ये इतना काम होगा लोगों को कितनी सहूलियत होगी और कितना अच्छा होगा। और पहले कितने कम वाहन चलते थे, अब देख रहे हैं कितना ज्यादा वाहन चलता है, अब किस तरह की स्थिति हो गई है। तो इतना ज्यादा जो काम बढ़ता चला जा रहा है ये सब लोगों को मालूम है। तो अभी सारा काम हो रहा है। एक ही चीज हम सिर्फ आपकी जानकारी भी दे देते हैं कि अब हम लोगों ने तय कर दिया कि हर चीज को मेंटेन करना, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या सरकारी भवन हो, सब को मेंटेन करना है। और इसके लिए जो तीनों डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको मेंटेन करिएगा। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जब कोई निर्माण कार्य हो गया और उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं किया जाए तो फिर कई प्रकार की परेशानी होगी। हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर चुके हैं, ये पथ निर्माण है, ग्रामीण कार्य है, ये सब लोगों को कह दिया है कि डिपार्टमेंट का ही काम है कि जब बन गया सड़क
और उसके बाद उसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, पुल और पुलिया को देखते रहिए और एक एक चीज ठीक ढंग से रहे, और उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से उस डिपार्टमेंट के माध्यम से, अरे भाई टेंडर होता है, ठेकेदार तो काम करता रहता है बहुत सारा, लेकिन हमने कहा इस मेंटेनेंस का काम बिल्कुल सरकार के डिपार्टमेंट को ही, इसके लिए चाहे जितने अधिकारियों को बहाल करनी हो, जितने इंजीनियर को बहाल करना हो करे, और कंटिन्यूअस इस काम को मेंटेनेंस करता रहे। ये हम लोगों ने राज्य सरकार में अब नीति बना दी, ये भी आपके नोटिस में ला देना चाहते हैं कि जितना भी संभव होता है हम लोग राज्य सरकार की तरफ से करने की कोशिश करते हैं, और आपका जो सहयोग मिल रहा है इसको मिलने के बाद बिहार बहुत उत्तम दिखेगा, और बिहार बहुत पुराना जगह है, इसलिए ये सारी चीजें हो जाएगी, बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो जो कुछ भी अभी चर्चा भी कर दी, अब उसके लिए भी हम आपको तो पहले ही इसके बारे में चर्चा कर दी थी, एथेनॉल वाला एक दिन के मीटिंग में उस समय डिपार्टमेंट को भी देख रहे थे, कितनी खुशी हुई थी। और एथेनॉल के निर्माण के लिए तो हम लोग नियम बनाए थे 2007 में, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको नहीं स्वीकार किया गन्ना से, और जानते हैं उस समय गन्ना से एथेनॉल बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया था, और उसमें बहुत सारे लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के को नेता मानने वाले थे, वैसे लोग आकर के आए थे, और 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव उस समय आया था, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन जब आप जब पिछले वर्ष कहे, इतनी खुशी हुई कि जो काम हम लोग पहले करना चाहते थे आप लोगों ने तय कर दिया कि एथेनॉल बनेगा, और एथेनॉल के लिए तो काम शुरू, अभी आप जान रहे हैं लोग मिल रहे, और आपने बहुत ठीक किया कि एक एक चीज के लिए हम लोग क्या है सब तरह के चीजों के लिए सिर्फ बन जाएगा, और बनना शुरू भी हो गया, और इसके लिए तो काफी शाहनवाज हुसैन साहब हमारे हम लोगों के साथ अटल जी की सरकार में साथ मंत्री भी थे, अब आजकल यहाँ का काम देख रहे ये घूमते रहते हैं, और केंद्र भी जाकर के बराबर इस बात को लेकर रहते रहते हैं, और जान दीजिए आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो यहाँ एथेनॉल इतना उत्पादन होगा कि आपको देश में कहीं एथेनॉल की कमी नहीं होगी, इतना ज्यादा है। अब मक्का कितना होता है, जितना मक्का का उत्पादन यहाँ होता है उतना किसी राज्य में नहीं होता है, तो इजाजत मिलनी चाहिए, हम तो रास्ते में भी आपसे अनुरोध किए, अब फिर अनुरोध करेंगे, और इसके लिए तो बराबर हमारे मंत्री जी जाते रहते हैं और सब कुछ को शाहनवाज साहब कहते रहते हैं, हम सब से आग्रह करेंगे। हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी कहा है, गृह मंत्री जी को भी हमने कहा है, अभी आए हुए थे 23 तारीख को, तो उनको भी हमने कहा, उनके बारे में कहा कि पूरा वहां कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए, और हम लोगों के यहाँ एथेनॉल की सीमा मत रखिए, सारा जितना एथेनॉल बनाना चाहेगा उतनी कंपनियों को बनाने की इजाजत दीजिए, कर दीजिएगा, बिहार का तो विकास होगा ही, लेकिन देश को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ही के चलते भाई हम तो कभी इस बात को भूल नहीं सकते, जिस एथेनॉल के लिए हम लोगों ने शुरू किया नहीं हो सका, और आपने एथेनॉल की बात की और अब शुरू हो गया है, इसलिए हम तो जीवन भर आपको नहीं भूलेंगे कि आपने इस काम को जो शुरू करवाया है, तो ये बहुत खुशी की बात है और इसका बहुत लाभ होगा। तो इसलिए सड़क हो, पुल का निर्माण हो, सब चीज का एक्सपेंशन हो, सब के लिए आपने जो बात कही है इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और राज्य सरकार की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत थी, और जो आपने 18 में एक बार कर दिया था कि जो जो काम राज्य सरकार कर रहा था और उसके लिए इतना पैसा ले रहा था, आप जितना कहे उतना ही घटा करके उतना नीचे कर दिया हम लोगों ने, और आगे भी जो चाहेंगे राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार का सहयोग रहेगा, और मिल करके हम लोग काम करेंगे, और न सिर्फ बिहार पूरे देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। तो इसके लिए आप सब की उपस्थिति हुई आज बड़ी खुशी की बात है, और कभी कभी आते रहिए, मैं आपको तो यही निवेदन करूंगा, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर बधाई, और आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सब लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत शुभ है। और अब माननीय श्री नितिन नवीन जी से आग्रह करते हैं कि माननीय श्री नितिन गडकरी जी को प्रति